हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में देखेंगे संविधान के कुछ ऐसे शब्द जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है, तो उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और समझ में भी आपको आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान ही क्या है। देखिए, संविधान अगर हम ईजी लैंग्वेज में समझते हैं कि संविधान जो है एक नियमों का एक संग्रह है, और किसी भी देश में शासन करना है या किसी देश को चलाना है अच्छे तरीके से तो हर देश को संविधान की ज़रूरत होती है, और लगभग अच्छे देश जितने भी हैं सबके पास संविधान है, तो इंडिया के पास भी। और इंडिया का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान में रूल्स लिखे हुए हैं कि कार्यपालिका कैसे काम करेगा, न्यायपालिका कैसे काम करेगा, बहुत ही वेल डिफाइंड किया गया है। तो जिन्होंने संविधान बनाए थे वो बहुत ही ब्रिलियंट लोग थे, और आप लोग को पता ही होगा वो चीज़ें। बात करते हैं प्रस्तावना, क्योंकि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें पहले ही पृष्ठ पे हमें मिल जाता है प्रस्तावना। तो ये क्या था जनाब? देखिए, ये था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना का रूप दे दिया गया था, ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ें समझ में आ गया आपको। और अगर आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा, किसी भी देश के संविधान में अगर उसके प्रस्तावना को या प्रेम्बल्स को पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस देश की क्या स्थिति है या क्या मनोदशा है उनकी, और वो क्या चाहते हैं, कैसा वो अपना कंट्री को बनाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो एक पृष्ठ या दो पृष्ठ पढ़ कर ही आप समझ जाएंगे कि ये देश क्या चाहता है अपने नागरिकों से या कैसा वो देश है, ओवरऑल ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल कितने हैं? मूल आर्टिकल की बात करूँ तो 395 आर्टिकल हैं, लेकिन ये बढ़कर हो चुके हैं 448। अगर वर्तमान में बात करें 448, लेकिन एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 395 ही पूछा जाता है, क्योंकि मूल संविधान हमारे पास 395 ही है। ये संविधान क्या होगा, थोड़े से बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? जैसे कि अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें, ठीक है, तो 21 में ए जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ाया जाता है, और इस तरीके से बढ़ के 448 हो गया है। 21A, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा 6 से 14 साल के बच्चों को। इसमें अब ये कैसे जुड़ता है, ये कैसे जुड़ा, ये संशोधन के द्वारा जुड़ता है। तो कौन सा संशोधन हुआ था? ये हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन। और कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में, ठीक है। तो ये वाला संशोधन हुआ था 21 में, आर्टिकल 21 में ए जोड़ दिया गया था, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। तो ये होता है आपका अनुच्छेद, क्लियर है? अनुच्छेद समझ में आ गया आप लोगों को। देखो, और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहें, देखो ये मान लीजिए आपका किताब है, ठीक है, क्लियर है, इसमें 22 भाग दिए हुए हैं, ठीक है, भाग मतलब चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्या है, चैप्टर्स, 22 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर्स, सेकेंड चैप्टर्स, फोर्थ चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। और हर एक भाग में, भाग अगर वन की बात करें, ठीक है, भाग एक में बात करें, तो इसमें 1 से लेके 4 तक क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखे हुए हैं, अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, तो वही अनुच्छेद है ये, ठीक है। और भाग आपका ये है, कितने भाग हैं टोटल, अगर भाग की बात करें तो ये है टोटल है 22, ठीक है, 22 भाग है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो भाई 22 भाग है, तो पार्ट वन की अगर बात करें, ठीक है, भाग वन की बात करें, तो इसमें बोला गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और ये बोला गया है 1 से लेकर 4 आर्टिकल के बीच में हम इसको पढ़ते हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, क्लियर है भाग वन में। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची, ठीक है, अनुसूची। अच्छा, अनुसूची क्या है? शेड्यूल, इसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, और अनुसूची ये क्या है? देखो, इसमें अनुच्छेद में आप 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं, इसी आर्टिकल को अगर आपको विस्तार में पढ़ना है, ठीक है, ये आप समझिए विस्तार से अगर आपको रीड करना है,
तो आप अनुसूची पढ़ते हैं, टोटल अनुसूची कितना है, ये है 12, लेकिन 12 है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूची था, उसके बाद 4 अनुसूची और जुड़ा था। तो मूल अनुसूची की बात करेंगे तो क्वेश्चन ये भी बनेगा, मूल अनुसूची, तो मूल अनुसूची हमारे पास 8 थे, 4 बाद में ऐड हो गया था। क्लियर है, अनुसूची समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं संशोधन, अमेंडमेंट। भैया अमेंडमेंट क्या है, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये चीज़ें याद है आपको, अमेंडमेंट क्या होता है कि आर्टिकल में संशोधन हो जाता है, जब आर्टिकल कोई किसी भी आर्टिकल में कोई संशोधन होता है वही बोलते हैं अमेंडमेंट हो गया। देखो जैसे 21 अनुच्छेद 21 में जब हमें संशोधन किया तो 21 ए बन गया, तो ये तो हमारा आर्टिकल बन गया, लेकिन संशोधन कौन सा हुआ, 86 नंबर का। तो अभी तक अगर हम बात करें तो संशोधन कितनी बार हो चुका है संविधान में, ये हो चुका है 105। क्लियर, 105 आपको याद, 86 मैंने बता दिया आपको, अगर लेटेस्ट याद है तो 103 जो संविधान संशोधन हुआ था वो क्या था, वो EWS संशोधन था, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसमें 10% आरक्षण दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो वो था आपका 103 नंबर का संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और ओवरऑल अभी तक प्रेजेंट की बात करें तो 105 संशोधन हो चुका है हमारे संविधान में। तो आई होप मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश किया है, प्रस्तावना क्लियर हो चुका होगा, अनुच्छेद, भाग, अनुसूची और संशोधन, ठीक है। एंड अगर कन्फ्यूजन फिर भी होता है तो फिर भी कमेंट कर देना, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल से जुड़ सकते हो इस तरीके की वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।